सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं यार आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिडनी थंडर वुमेन और मेलबर्न रेनेगेड वुमेन के बीच में होने वाले WBBL के मैच नंबर 11 के बारे में, ठीक है। अब हमेशा की तरह दोस्तों इस वीडियो में हम इस मैच की बहुत अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है, ठीक है। तो देखो यार, आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको इस मैच में प्रॉफिट कमाना है तो हमेशा की तरह आपको हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेना है, और जो भी एनालिसिस हम करें और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिले उसका यूज करके इस मैच में टीम बनानी है। एक बार वापस आप एक बहुत अच्छी टीम बना लोगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों आपको आखिर तक बने रहना है। बाकी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यार आप सबको अपने छोटे भाई के लिए एक छोटा सा काम जरूर करना है कि जिसने भी अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही वो लाइक का बटन है एक बार जरूर दबा देना, ठीक है। सुबह सुबह वीडियो ला रहा हूं यार, सुबह 9 बजे तो ये वाला मैच स्टार्ट हो जाएगा, रात भर सोया नहीं हूं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए एकदम फ्री में, ठीक है। और दूसरी बात यार, आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यार यहां पर भी पीछे क्यों रह रहे हो, क्योंकि हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे तो भाई 6 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स का एनालिसिस का प्रेडिक्शन का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो देखो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, फटाफट से दबाओ और बेल आइकन को ऑन कर लो, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो इस वीडियो में, तो यार इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस मैच से रिलेटेड मिलने वाली है, बहुत अच्छे एनालिसिस हम करने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे दोस्तों इसी वीडियो में हम इसी एनालिसिस का यूज करते हुए इस मैच की एक टीम भी बनाएंगे, ठीक है, आप और मैं मिलकर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, वो जो भी टीम अपनी बनेगी ना वो अपनी फाइनल टीम भी नहीं रहेगी। आपको पता है अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, और जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, टॉस होने के बाद अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आती है, फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो यार उन सब की वजह से भी अपनी टीम में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी टीम में यार जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे वो करके अपनी जो भी फाइनल टीम रहेगी इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा और जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो हमेशा की तरह दोस्तों टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप में से जिस भी भाई ने यार अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देखो यार हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको अपनी साइड स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, फिलहाल में दोस्तों 1,90,000 1,90,000 से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जुड़े हो तो देखो यार टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, ठीक है। तो लाखों लोग जुड़ चुके हैं, फाइनल अपडेट, फाइनल टीम है ना, एडिशनल गिव अवेज, वो सब आपको वहीं प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ज्वाइनिंग एकदम फ्री है और ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक मैंने आपको बताई दी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको ज्वाइन हो ही जाना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों इस मैच के बारे में, तो देखो यार जैसा कि मैंने आपको बताया 9:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा, 9 बजे जो है टॉस हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है इस वीडियो में, फटाफट से हम एनालिसिस कर लेते हैं। ये वाला जो मैच है दोस्तों ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अब दोस्तों यार सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है ना SCG, यहां पर इस वुमेन बिग बैश लीग के सीजन में एक भी मैच नहीं खेला गया है, ये बात ध्यान रखना। तो जो पिच है वो एकदम फ्रेश रहने वाला है, एकदम नया रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों देखो मौसम की, तो मौसम की वजह से तो ऐसा कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। बात करते हैं दोस्तों देखो देखो सबसे इंपॉर्टेंट हम पिच के बारे में, तो यार सबसे पहले तो मैं आपको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बारे में बता देता हूं। देखो यार यहाँ का जो पिच रहता है ना, वो हमने अब इस सीजन में तो कोई भी मैच हुआ नहीं है, लेकिन पास्ट की अगर हम कुछ यहाँ पर मैच देखें, पुराने अगर हम यहाँ पर कुछ मैच देखें, तो उनसे अपने को ये पता लगता है कि यहाँ का जो पिच है ना वो जनरली बैलेंस्ड रहता है। यहाँ पर दोस्तों बैटर्स को भी सपोर्ट मिलता है और बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलता है ना। बैटर्स जो है अगर आराम से मान लो कि टिक के थोड़े मेच्योरिटी के साथ यहाँ पर बैटिंग करें, ज्यादा पावर हिट करने की कोशिश नहीं करें, तो फिर अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर किया जा सकता है। और ऊपर से आज वाले मैच की तो पिच भी फ्रेश रहने वाली है, तो उतना ज्यादा कोई मान लो कि स्पिनर को सपोर्ट नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हमने पहले जो पुराने मैच है उनमें देखा है कि यहाँ पर स्पिनर को सपोर्ट रहता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे स्पिनर्स को सपोर्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि जो पिच है वो स्लो होती जाती है, ठीक है। और सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर जो है मैं इस मैच में भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर भी मैंने वो लिखा है कि SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का जो पिच है वो बैलेंस रहता है, जिसमें दोनों को सपोर्ट मिलता है, बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमने पास्ट में थोड़ा सा ये देखा है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला है स्पिनर्स को, और इस मैच में भी ध्यान रखना स्पिनर्स आपको लिए एडवांटेजेस साबित हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है उतना ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिले, क्योंकि फ्रेश पिचर, नया पिचर, पहला ही मैच है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लो डाउन भी हो सकता है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि यार अगर गेम आगे बढ़ रहा है, मैच स्लो हो रहा है, रन बनाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर पहले बैटिंग करना ही सही रहेगा, है ना। और उसके अलावा दोस्तों एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो इस मैच का 140 के समथिंग मैं मान के चल रहा हूँ कि यार 140 तो बन जाने चाहिए। बाकी दोस्तों देखो ये तो है एक डेमो पिच रिपोर्ट, आपको बताया ये तो एक प्री मैच पिच रिपोर्ट। इस मैच की फाइनल पिच रिपोर्ट अपने पास कब आएगी
वो तो अपने पास स्टॉक्स के टाइम आएगी यार, और वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा। तो एक बार वापस बोल रहा हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल तो आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये दोस्तों वेन्यू स्टेट की बात करते हैं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, तो ये तो खुद भी देख लो यार, है ना। आज तक टोटल वोमेन T20 के 9 मैच खेले गए, 3 मैच पहले बैटिंग है ना, 5 मैच पहले बॉलिंग, 1 मैच टाई वगैरह, ये जो भी है ना, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट रोल इस मैच में प्ले करेंगे नहीं, ठीक है। इस मैच में सॉरी इस वेन्यू पे दोस्तों इस सीजन में कोई भी मैच खेला नहीं गया, तो यहाँ पर एम्प्टी स्टेट्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों अगर मैं करूँ सिडनी थंडर की, तो देखो यार नीचे के 4 मैच जहाँ पर आपको एल लगे हुए दिख रहे हैं इनके, वो चारों के चारों हैं पिछले सीजन के, पिछले वुमेन बिग बैश लीग के सीजन के, जिनमें इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब आई थी। लेकिन इस सीजन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो एक ही मैच इन्होंने इस सीजन में खेला है, जो कि सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट खेला था, जो कि ये जीत गए थे और काफ़ी डोमिनेटिंगली जीत गए थे। पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए थे, है ना, फिर जो है सिडनी सिक्सर्स को जो है 150 से नीचे ही रोक दिया था, तो डोमिनेटिंगली जीत गए थे। और इस सीजन में जो है पिछले सीजन के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं सिडनी थंडर के प्लेयर, ठीक है। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूं मेलबर्न रेनेगेड्स की, तो यार इन्होंने इस सीजन में अभी तक टोटल 2 मैच खेले हैं, उससे पहले दोस्तों 2022 का सीजन भी इनका ऐसा कुछ खराब नहीं गया था, ये आप देख सकते हो। बाकी इनको तो हम ज्यादा नहीं देखेंगे, ये देख लो, है ना, पहला जो मैच हुआ था दोस्तों इनका हुआ था ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम ने 180 प्लस रन बनाए थे लेकिन फिर भी हार गए थे। और दूसरा जो मैच हुआ था दोस्तों वो हुआ था एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, जिसमें इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की। इसमें इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 167 रन बना दिए और फिर बॉलिंग करते हुए एडिलेड स्ट्राइकर को 86 पे ही ऑल आउट कर दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम भी अच्छी है, दोनों मैच में हाई स्कोर तो बनाई है, और जो लास्ट मैच हुआ था उसमें एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट काफी अच्छी बॉलिंग भी की थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हेड टू हेड की, तो पिछले जो 10 मैच इन दोनों टीम्स के खेले गए हैं WBBL में, पिछले 3-4 सीजन के सारे मिला के, ठीक है, उनमें से दोस्तों 4 मैच जो है सिडनी थंडर की टीम जीती है और 6 मैच जो है मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम जीती है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, 2022 के अंदर इन दोनों टीम्स के बीच में जो 2 मैच हुए थे पिछले सीजन में, वो दोनों के दोनों जो मैच है वो मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम जीती थी। लेकिन पिछले सीजन में तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिडनी थंडर की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी कुछ अप टू द मार्क आ नहीं रही थी, इस सीजन में ठीक ठीक आ रही है ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार सिडनी थंडर की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो यार वो आपकी स्क्रीन के सामने है, मेरे को लगता है ये 11 प्लेयर्स आपको आज वाले मैच में खेलते हुए दिख सकती हैं, ठीक है। इसमें चमारी जो है आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगी, प्लस बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं देखो बॉलिंग की, क्योंकि WBBL है ना, यहाँ पर यार एक्चुअली बॉलिंग फिक्स नहीं रहती, तो ये करना जरूरी है। चमारी अथप्पू दोस्तों इन्होंने WBBL के पिछले 3 सीजन में बॉलिंग नहीं की, लेकिन इस सीजन में जो एक मैच खेला है उसमें अच्छी बॉलिंग की, और इस मैच में भी आपको बॉलिंग करती हुई दिख जानी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों हेदर नाइट जो है ये भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों सेमी जो जॉनसन जो है ये भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, अच्छी हैं। उसके बाद दोस्तों ये नीचे के 3 है ना, ये 6 इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है, जिनमें से जो है आई थिंक 4 ओवर ये करवा देंगे, 3-4 ओवर ये करवा देंगे, ठीक है, 3-4 ओवर ये करवा देंगे। इन तीनों में से किसी एक बॉलर के जो है 2 ओवर आई थिंक कटने वाले हैं, वो अपन देखेंगे, है ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं इनके ओपनर की बात करूँ चमारी अथप्पू की, अगर ये दोस्तों एक लेफ्ट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकती हैं, इसीलिए आपकी टीम के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस हो जाती है, ठीक है। इस सीजन में आने से पहले दोस्तों इन्होंने अपने बिग बैश लीग के करियर में 36 मैच खेले थे, जिनमें दोस्तों 511 रन बनाए इन्होंने, लेकिन विकेट ओनली 4 ही लिए, तो आप खुद समझ सकते हो कि इस सीजन से पहले इन्होंने कितनी बॉलिंग की है, नहीं कि ना के बराबर की है, ठीक है। ये दोस्तों इनका बैटिंग एवरेज और इकोनॉमी रेट है। बाकी दोस्तों इस सीजन में जो एक मैच खेला है उसमें 50 भी आई और 3 विकेट भी आई, और काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रही है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको बोला है कि कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। उसके अलावा दोस्तों विल्सन की अगर मैं बात करूं, तो 48 मैच इस सीजन में आने से पहले इन्होंने अपने WBBL के करियर में खेले 430 रन बनाए, 18.52 का बैटिंग एवरेज। पिछले मैच में दोस्तों 33 रनों की एक अच्छी पारी खेली थी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों लिचफील्ड की अगर मैं बात करूं, तो 52 मैच इन्होंने खेले, 903 रन बनाए हैं, 23 का बैटिंग एवरेज, और इन्होंने भी दोस्तों पिछले मैच में 50 मारी थी, 54 नॉट आउट की एक अच्छी पारी खेली थी। और उसके अलावा दोस्तों हेदर नाइट अगर मैं बात करूं, तो 71 मैच में 1800 रन और 49 विकेट इस WBBL में आने से पहले WBBL के सीजन में, है ना। और इस सीजन में दोस्तों जो एक मैच खेला है उसमें 18 रन बनाए बैटिंग के साथ और 3 विकेट मिले। अब दोस्तों एक चीज देखो, ये है सिडनी थंडर का टॉप ऑर्डर, जो कि चारों के चारों प्लेयर अच्छी फॉर्म में है, और इनमें से 2 जो है वो बॉलिंग भी कर सकती है और अच्छी बॉलिंग कर सकती है, और साथ ही साथ दोस्तों दोनों के दोनों राइट आर्म ऑफ ब्रेक यानी कि स्पिनर है, है ना। और इस मैदान में जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हो सकता है स्पिनर को सपोर्ट मिले, तो अच्छी फॉर्म में चल रही है, इसीलिए सिडनी थंडर इस सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस करी। और ध्यान रखना
मेलबर्न रेनेगेड्स के ऊपर भी क्या पता भारी पड़ ही जाए, ठीक है। वही अगर दोस्तों मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो बस इनका टॉप ऑर्डर हो गया वो संभाल लेता है, फिर डाउन दी ऑर्डर को ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों लेलोर्ड की, तो यार इनका जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के सामने, इस WBBL में आने से पहले 16 मैच WBBL में, जिनमें दोस्तों 137 ही रन है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले मैच में भी मात्र 11 रन थे। जॉनसन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 104 मैच WBBL के करियर में इन्होंने इस सीजन से पहले खेले हैं, जो कि भाई बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिनमें दोस्तों 805 रन बनाए हैं, जिनमें मात्र 12 का बैटिंग एवरेज है, यानी कि बैटिंग से आप ज्यादा बड़ी उम्मीद इनसे मत करना, लेकिन दोस्तों बॉलिंग से कर सकते हो। 104 मैच में 94 विकेट है, 6.9 की इकोनॉमी रेट है, पिछले मैच में भी 2 विकेट लिए थे, है ना। और बैटिंग से भी ऐसा है ना कि नंबर 5-6 पर अगर बैटिंग कर रही है तो आपको थोड़े बहुत रन भी अगर बना के देती है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पोर्टर की अगर मैं बात करूं तो यार इनका जो रिकॉर्ड है आपकी स्क्रीन के सामने है, एक तो नंबर 7 पर बैटिंग, ऊपर से जो है बॉलिंग नहीं है, ठीक है। सेम चीज है दोस्तों मूर का, एक नंबर 8 पर बैटिंग, और वैसे ही बैटिंग आने के चांसेस कम आप देख सकते हो, तो इन दोनों को तो अपनी टीम में रखने का सेंस बनता नहीं है फिलहाल में। उसके बाद दोस्तों इनकी जो मेन बॉलिंग लाइनअप है वो आ जाती है डार्लिंगटन, लॉरेन बेल और समांथा बेट्स। इसमें दोस्तों लॉरेन बेल के पूरे 4 ओवर आई थिंक फिक्स रहने वाले हैं, काफी अच्छी बॉलर है, इंटरनेशनल लेवल की है। पिछले मैच में दोस्तों 1 विकेट निकाला तो आपकी टीम के लिए एक सेफ पिक ये हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों डार्लिंगटन की अगर मैं बात करूं तो यार इनका WBBL का करियर देखो आप, 47 मैच में 58 विकेट और 6.75 की इकोनॉमी रेट, काफी अच्छा रिकॉर्ड है। पिछले मैच में दोस्तों विकेट नहीं ले पाई, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना इनके जो सिलेक्शन परसेंट है इस मैच में कम रहेंगे, लेकिन आप अगर अपनी ग्रेनली की टीम में इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो बेशक, और इवन स्मॉल की टीम में भी उठा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों समांथा बेट्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस तो इनको भी काफी ज्यादा है, 102 मैच WBBL में जिनमें 95 विकेट हैं, 6.08 की इकोनॉमी रेट है। पिछले मैच में दोस्तों विकेट इनको भी नहीं मिला था, साथ साथ थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, एक स्पिनर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा, इनके भी सिलेक्शन परसेंट कम है, तो ये भी ग्रैंड लीग की अच्छी पिक हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अच्छा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ओवर कर सकते हैं, तो डार्लिंगटन और बेट्स में से जो अच्छे बॉलिंग करेगा उसको जो आई थिंक पूरे ओवर मिल जाएंगे, बाकी जो नहीं करेगा उसको 2 या 3 मैक्सिमम ओवर मिलेंगे, ठीक है। वो बात हो जाती है दोस्तों थंडर की। अब हम बात करते हैं रेनेगेड्स की, तो यार इनकी जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो भी आपके स्क्रीन के सामने। इनके पास दोस्तों बॉलिंग ऑप्शन कौन कौन है, हेली मैथ्यूज आपको पूरे ओवर करते हुए दिख जानी चाहिए, उसके अलावा दोस्तों हरमनप्रीत कौर पूरे तो नहीं लेकिन 2 या 3 ओवर आपको करते हुए दिख ही जानी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। कोर्टनी वेब दोस्तों आई डोंट थिंक इनको बॉलिंग दी जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वारेहाम, ये आपको पूरे ओवर करती हुई दिख जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दो जो प्लेयर उनके अपने किसी काम के नहीं थे, वैसे ही 2 इनके भी किसी काम के नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों नीचे से जो है वो 3 बॉलर हैं, जिनमें आई थिंक प्रेस्टविज को ओवर मिलने चाहिए, पिछले मैच में नहीं मिले थे, पिछले मैच में इनके ओवर कटे गए थे, इन दोनों को मिल गए थे, इस मैच में आई थिंक इनको मिलने चाहिए, इन दोनों में से किसी एक के कटेंगे वो तो देखते हैं हम। फिलहाल हम दोस्तों बात करते हैं इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार यहाँ पर सबसे पहले हेली मैथ्यूज आ जाती है, काफ़ी अच्छी प्लेयर है, काफ़ी अच्छी फॉर्म में, CBC की अच्छी चॉइस आप लोगों के लिए डायरेक्टली ये हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इस WBBL में आने से पहले इन्होंने अपने वुमेन बिग बैश लीग में 70 मैच खेले थे, जिनमें 1100 प्लस रन थे, 50 विकेट लिए थे, 18.3 का बैटिंग एवरेज, 6.7 की इकोनॉमी रेट, ठीक है। पिछले जो 2 मैच दोस्तों इस सीजन में खेले हैं, दोनों मैच में दोस्तों देखो बैटिंग से कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई है, 20 और 12 रनों की पारी आई है, लेकिन बॉलिंग से 5 विकेट ले चुकी है, और दोस्तों ध्यान रखना अच्छी प्लेयर है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्यूमोंट की अगर मैं बात करूं तो यार इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपके स्क्रीन के सामने है, 19.95 का बैटिंग एवरेज ये होल्ड करती है, ओपनिंग ये भी अच्छी कर रही है, दोनों मैच में 30 रनों की और या 30 से प्लस की पारी खेली है। डूली की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 60 मैच इन्होंने हैं, 19.56 का बैटिंग एवरेज है, दोनों मैच में दोस्तों स्टार्ट में लिए बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाई है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना डूली बड़ी पारी में कन्वर्ट कर सकती है, तो आप इनको अपनी ग्रैंडली की टीम में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। हरमनप्रीत कौर दोस्तों ये बैटिंग भी कर रही है, बॉलिंग भी कर रही है, बट WBBL में इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, दोनों मैच में दोस्तों बैटिंग से अच्छे पॉइंट दिए हैं, 31 और 43 नो डाउट की पारी खेलते हुए, और साथ साथ दोस्तों बॉलिंग से भी विकेट निकाल रही हैं, तो ध्यान रखना आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक है हरमनप्रीत कौर, और आपके लिए रिस्की वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपने पास वेब का ऑप्शन आ जाता है, इन्होंने दोस्तों इस WBBL में आने से पहले 63 मैच में 952 रन तो बनाए थे, 22.67 का बैटिंग एवरेज जरूर रहता था, लेकिन दोस्तों 63 मैच में मात्र 10 विकेट थे, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे बॉलिंग नहीं मिलती, और ये दोस्तों हमने इस सीजन में भी विटनेस किया, पहला जो मैच था उसमें जरूर इनको बॉलिंग दी गई थी, विकेट नहीं लिए थे, लेकिन दूसरे मैच में बॉलिंग ही नहीं दी गई, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना दूसरे मैच में 49 नॉट आउट की शानदार पारी खेली है,
तीन डाउन पे जो है बैटिंग आ जाती है, तीन विकेट गिरे और इनकी बैटिंग आ जाएगी तो ध्यान रखना आपकी टीम के लिए एक डिसेंट पिक हो जाती है। ठीक है, जोर से पा रहे हैं हम कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मिडिल ओवर बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, आपकी टीम के लिए डेफिनेटली अच्छी पिक है। और आप लोगों के लिए दोस्तों सीबीसी की ये भी अच्छी चॉइस हो जाते हैं जस्ट इन केस हेली मैथ्यूज या फिर अथापति उसमें से किसी एक को फ्लॉप हो जाए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों कर्शा और ये दोनों तो अपनी टीम में कंसिडर करेंगे नहीं, बैटिंग ओवर भी बहुत ज्यादा डाउन है, बॉलिंग भी नहीं मिलती, पिछले मैच में कुछ भी गेम में पार्ट नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन आता है प्रेस्टविज कोयटा और हेवार्ड का। तो प्रेस्टविज को दोस्तों पिछले मैच में बॉलिंग नहीं दी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, इनके ओवर काट लिए गए थे, लेकिन एक अच्छी प्लेयर है, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो एक विकेट निकाला था और एक अच्छी बॉलर है, है ना, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। अगर आप इनको अपने टीम में देख लेना, रिस्क लेके कंसीडर करना तो कर लेना, बाकी यार स्मॉल लीग में आई डोंट थिंक कि अपने को रिस्क लेने की जरूरत है, तो स्मॉल लीग की टीम में अपने को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों कोयटे की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस बॉलर है, 104 मैच खेले हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, इनको आई थिंक कि पूरे अपने कोटे के 3-4 ओवर आराम से मिल जाने चाहिए, है ना, पिछले दो मैच में 3 विकेट ले चुके हैं तो 4 ओवर मान के चलो इनको तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, हेवर्ड की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, 30 मैच में 16 विकेट है, 6.59 की कॉर्न रेट है, पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, एक अच्छी स्पिनर है वो। ठीक है, अब वही बात है यार, प्रेस्टविज और हेवर्ड में से जो भी अच्छी बॉलिंग करता हुआ पाया जाएगा उसको पूरे ओवर मिल जाएंगे, मेरे को लगता है हेवर्ड को मिल जाएंगे क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर रही है ना, ऊपर से यहाँ पर स्पिनर को सपोर्ट भी रहेगा तो हेवर्ड जो है थोड़ा सा वो है कि आगे निकल सकती है ना। अब दोस्तों देखो यार, अभी तक इस वीडियो में हम इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। ठीक है, पिच रिपोर्ट से लेके हमने हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट परफॉर्मेंस देखी, वेन्यू स्टेट देखे, प्लेइंग इलेवन देखी, कौन कितने ओवर बॉलिंग डाल सकती है, कौन कब बैटिंग कर सकती है, वो सब देखे, सबके रिकॉर्ड देखे, है ना, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस इस मैच के लेवल के हिसाब से ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब दोस्तों सिर्फ एक चीज बाकी है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार इस वीडियो में आपको एक टीम भी बना के दिखाऊंगा, तो वो प्रॉमिस मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आ जाता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी दोस्तों आपको साइड में दिख पा रही होगी, ये रहा दोस्तों सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच वाला मैच, जिसकी मैं आपको फटाफट से एक टीम क्रिएट करके दिखा देता हूं, है ना। लेकिन दोस्तों टीम मैं आपके सामने क्रिएट करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी टीम क्रिएट होगी वो फाइनल नहीं रहेगी, जो अपनी फाइनल टीम रहेगी फाइनल अपडेट्स के साथ वो आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपको अपनी साइड स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, फिलहाल में आप खुद देख सकते हो 1,93,000 से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा रहे हैं। कल वाले मैच दोस्तों जो वर्ल्ड कप का मैच था उसमें भी हमारी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, विनिंग स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के सामने है, है ना, और बहुत अच्छा प्रॉफिट हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे कमाते ही रहते हैं। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी यार बात करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर हम अपनी टीम की, तो विकेट कीपर सेक्शन में दोस्तों अपने पास विल्सन का ऑप्शन है, कर्सा को तो अपनी टीम में रखने का सवाल ही नहीं है, और डूली है, डूली मैंने आपको बता दिया कि बड़ी पारी में कन्वर्ट कर सकती है, टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करेंगी, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में रखना है, स्मॉल लीग में तो विल्सन ही सही है क्योंकि ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगी, अच्छी फॉर्म में भी है। ठीक है, फिर बैटिंग सेक्शन से दोस्तों हेदर नाइट डेफिनेटली बैटिंग और बॉलिंग, हरमनप्रीत कौर बैटिंग और बॉलिंग कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूमोंट भी दोस्तों अच्छी बैटिंग करी, और लिचफील्ड भी मैंने आपको बताया पिछले मैच में जो है 50 आई है, तो ये चारों की चारों जो है अच्छी पिक अपनी टीम के लिए हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों वेब की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे, मैंने इनके बारे में आपको बताया है, कोई एक आधा ओवर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद मत रखना, बैटिंग से आप कर सकते हो क्योंकि पिछले मैच में 49 नॉट आउट की अच्छी पारी खेली है। ठीक है, तो मान लो कि अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम का, तब वेब जो है आपको बड़ी इनिंग भी खेलते हुए दिख सकते हैं, तो इनको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कंसीडर कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों पोर्टर, डफेन, मूर, है ना, लेआउट किसी को भी अपनी टीम में कंसीडर करने का सवाल ही नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं दोस्तों, अटैप टू डेफिनेटली अपनी टीम में रखने वाले हैं, मैथ्यूज डेफिनेटली अपनी टीम में रखने वाले हैं, उसके अलावा दोस्तों जॉनसन को भी मैं अपनी टीम में रखूंगा एक बार के लिए, देखो नंबर 5 या था पर बैटिंग कर लेंगे जॉनसन, उसके अलावा अपने कोटे के आई थिंक पूरे 4 ओवर मिल जाएंगे, 4 भी नहीं तो 3 ओवर तो इनको बॉलिंग मिलने वाली है। और बाकी दोस्तों देखो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर और दिख रहा होगा हेवार्ड का, हेवार्ड के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर आपको दोस्तों हल्का सा रिस्क लेना है तो हेवार्ड को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, देखो मैं तो आपको सही बात बताऊँ, है ना, लेकिन एक बार के लिए स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं, वीडियो में बना रहे हैं तो थोड़ा सेफ साइड चलते हैं, है ना, बाकी रिस्क लेना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, उस हिसाब से हम टॉस के बाद अपनी टीम में चेंजेस अपडेट कर लेंगे। ठीक है, बाकी बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों 3 प्लेयर मेरे को उठानी है, जिनमें वारे हैं हम डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस रहने वाली है, लॉरेन बेल पूरे 4 ओवर करवा लेंगे और कोयटे भी अपने पूरे 4 ओवर करवा लेंगे, तो यही आप लोगों के लिए सेफ चॉइस है। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखो समांथा बेट्स का ऑप्शन आ जाता है, एक अच्छी स्पिनर है, एक्सपीरियंस भी है, उसके अलावा प्रेस्टविज जो कि एक अच्छी बॉलर है लेकिन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, पिछले मैच में ओवर काट लिए गए थे, एंड डार्लिंगटन दोस्तों ये जो है पूरे ओवर भी करेंगी, अच्छी बॉलर भी है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन परसेंट कम है, तो ये आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग की बहुत अच्छी पिक हो जाती है डार्लिंगटन, ध्यान रखना। फिलहाल में तो दोस्तों देखो जैसे कोयटे को उठा लेते हैं, और ये वाली जो टीम आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, है ना, ये अपनी ये वीडियो वाली टीम है, इसमें दोस्तों चेंजेस हो सकते हैं, मैं डार्लिंगटन को अपनी टीम में उठा सकता हूँ, ठीक है,
मैं हेवर्ड को अपनी टीम में उठा सकता हूँ, कोई एक आधा चेंज और करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और वो जो भी होंगे वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आप लोगों के लिए जो टॉप टू है और हेली मैथ्यू जो वो दोनों सेफ चॉइस है सीवीसी के लिए। उसके अलावा दोस्तों हरमनप्रीत कौर एक डिसेंट चॉइस हो जाते हैं आप लोगों के लिए वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, बाकी यार देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंजेस होंगे, हेदर नाइट भी एक तो अच्छी चॉइस है वैसे तो, बाकी यार कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंजेस होंगे, कोई अपडेट होंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाऊंगा। ठीक है, तो बाकी तो सब ठीक है यार, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।